ममता बनर्जी के गढ़ में सेंध लगाने के लिए उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बंगाल के दौरे पर हैं और उप मुख्यमंत्री का काफिला हुगली के चुनचुरा पहुंचा, जहां उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ममता सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस में भ्रष्ट नेताओं की संख्या इतनी ज्यादा है कि अगर उन सभी नेताओं को छोड़ दिया जाए तो तृणमूल में कोई नहीं होगा। उन्होंने पश्चिम बंगाल में 200 से ज्यादा सीट जीतने का भी दावा किया। इस दौरान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अलग अंदाज में नजर आए, विश्वनाथ मंडल नामक मछुआरे के घर जाकर उनके घर पर भोजन किया। टीएमसी लगातार जो अपराध करने वाले हैं उनका संरक्षण करती है, जो भ्रष्टाचार करने वाले हैं उनका संरक्षण करती है, गरीबों और किसानों के उत्थान की जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उन्हें भी पश्चिम बंगाल के गरीबों के लिए किसानों के लिए लागू नहीं किया गया है। 30 विधानसभा क्षेत्र हैं, 5 लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले व 30 की 30 सीटें और हुगली जिले की सभी 7 सीटों पर भाजपा का कमल खिलेगा। इस बीच प्रयागराज से बड़ी खबर, जहां इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसल खान की सशर्त जमानत मंजूर की है। फैसल खान पर बिना पुजारी की सहमति के मंदिर में नमाज पढ़ने का आरोप है। हाईकोर्ट ने कहा कि याची साक्ष्यों से छेड़छाड़ ना करे, याची गवाहों पर प्रलोभन या दबाव नहीं बनाएगा, ट्रायल में सहयोग करेगा, सोशल मीडिया में ऐसे फोटोग्राफ वायरल नहीं करेगा। ये कहा गया हाईकोर्ट की तरफ से। तो इस वक्त की बड़ी खबर प्रयागराज से, जहां इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसल खान की सशर्त जमानत मंजूर कर ली है। हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद गुफरान जुड़े हुए हैं। गुफरान, फैसल खान की जमानत मंजूर हाईकोर्ट की तरफ से? बिल्कुल, देखिए ये सिद्धार्थ की एकलपीठ ने ये जमानत दी है इनको। ये एक सशर्त जमानत है फैसल खान की। इनके ऊपर आरोप है कि नंद बाबा मंदिर में बगैर इजाजत वहां परिसर में नमाज इन्होंने पढ़ी थी, जिसके बाद इनके खिलाफ बरसाना थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया था, जिसके बाद एफआईआर गिरफ्तारी भी इनकी हुई थी, जेल में भी हैं। तो अब एक तरीके से इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसल खान के अलावा इनके साथ एक और थे चांद मोहम्मद, इन दोनों को सशर्त जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। और कोर्ट ने एक तरीके से कहा है कि गवाहों को किसी तरीके से ये टॉर्चर नहीं करेंगे, साक्ष्यों को एविडेंस में कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। ट्रायल के दरमियान ये पुलिस और कोर्ट को एक तरीके से पूरा जो सहयोग होता है वो करेंगे। तो एक तरीके से बड़ी राहत इनको मिली है कोर्ट से। चलिए, शुक्रिया आपका गुफरान इस जानकारी के लिए।